प्रेस क्लब के बाहर ऑल जे एंड के रिटायर्ड नॉन गेस्टर पुलिस पेंशनर्स फोरम की तरफ से इंतजामिया के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। हाँ सर, मैं अजीत सिंह नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारे साथ जो पे एनोमली का मसला है, 1996 से लेकर आज तक चला आ रहा है और फिफ्थ पे कमीशन भी नहीं दिया गया, सिक्स भी नहीं और सेवन्थ भी नहीं। तो हमने जितने भी हुकूमतें आई हैं सबको रुजू किया, लेकिन किसी ने ये हिमाकत नहीं की हमारे इस मसले को सुनने। सब उन्हें ला रहे जहाँ से बाधी। अभी ये जो हमें बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम काबरा साहब से हमने अप्रोच की, उन्होंने बोला भाई आपका डीजी इंटरेस्टेड नहीं है। ये जब डीजी साहब हमारा एडीजी और पे एनोमली कमेटी का चेयरमैन था, उस पर चेक बोर्ड पे का हमारा फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाया था। अभी जब ये डीजी साहब हमारे फुल फ्लैज आए तो इन्होंने बना दिया 206 करोड़ रुपए का। और काबरा साहब बोलते हैं भाई ये तो स्टेट का बजट है, इतना आपको कौन देगा। तो लिहाजा हम डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डीजी साहब जी कम अज़ कम अपने जो दौर के सुनहरी हरफों में लिख जाते तो हम भी याद करते कि डीजी साहब ने हमारे छोटे मुलाजिम को रहम किया। तो लिहाजा ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो यहाँ आते जाते चलते हैं। हमने भी काफ़ी डीजी देखे हैं, लिहाजा फिर भी मैं गुजारिश करूँगा डीजी साहब रहम कीजिए और हमारे हाल पर हमारे आधे साथी इस दुनिया से चल बसे, बाकी बीमार बेड पर पड़े तो उन पर रहम खाइए। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहना चाहता आपके माध्यम से, यही रिक्वेस्ट है।